तो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई वेब सीरीज के बारे में। नहीं, आज मैं नई वेब सीरीज ना कोई मूवी ना कोई ट्रेलर, मैं इस सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरी खुशी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट डेज है। इसीलिए क्योंकि आज मेरा चैनल यानी यूट्यूब चैनल, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है हमारा चैनल, और मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ कि खुशी आप लोग के शेयर करूँ, स्पेशली आप लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं भी किया लेकिन मेरे वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो, तो मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा कैसे ये मैंने चैनल शुरू किया, प्लस इसके पीछे कौन ऐसे खास लोग हैं जिन लोगों को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मैं जितनी बार भी उनको थैंक यू बोलूंगा बहुत कम है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। अब उसके अलावा इस चैनल के पीछे की जो मेन स्ट्रेंथ है, जो जान है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मुझे मोटिवेट करते रहे, हमेशा मुझे सपोर्ट में खड़े रहे, वो है मेरी वाइफ। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ से मेरा इतना मतलब क्लोजनेस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उनकी मतलब मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है। और यूट्यूब चैनल को यहाँ तक कि जो मेरा चैनल पहुंचा तो उनके ही बदौलत पहुंचा, क्योंकि हमेशा हर वीडियोस में वो मेरी मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, हमेशा मुझे बोलते रहे कि नहीं तुम यहाँ गलत जा रहे हो, यहाँ तुम सही जा रहे हो। तो उनके वजह से मैं इस चैनल को स्टार्ट किया, उनके सिर्फ बोलने से कि तुम अपना चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो वो एक वजह थी जिस वजह से मैंने चैनल शुरू किया। और हमेशा मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे साथ दिया। तो उस वजह से मैं अपनी वाइफ को कहना होगा कि आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो उसके दिल से थैंक यू। ऐसी अपना प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखना, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा जैसे तुम मेरा हमेशा साथ देती हो। अब उसके बाद मैं सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो इस चैनल के साथ जो हमेशा स्टार्ट से था, वो है मेरे ऑफिस के कलीग है मिस्टर खलील इब्राहिम। वो मेरे बड़े भाई जैसे, और उन्हीं की वजह से ये जो ऐप में मैं जो एडिटिंग करता हूँ वो ऐप उन्होंने दिया था, और हमेशा मोटिवेट करते वो भी, और प्लस मेरे वीडियोस को शेयर करते और हमेशा इंकरेज करते कि नहीं तुम कर लोगे, तुम बहुत बेस्ट कर रहे हो। तो उनको भी मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ कि मैं आपने मेरे साथ हमेशा सपोर्ट किया और आगे भी करते रहना, आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। एक और बंदा है, वो है बिलचू सैलम लाखरा, उसका भी एक YouTube चैनल है और वो बहुत ही अच्छा उसका चैनल है, और उसको देख के कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुआ अपना चैनल बनाने के लिए। तो अब फाइनली आप लोगों को बता दें कि इस चैनल के पीछे कौन कौन है। अब मैं आपको बताऊंगा इस चैनल का नाम अरहान एंटरटेनमेंट क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अरहान मेरा छोटा बेटा, यानी कि मेरा एक ही बेटा है और उसका नाम है अरहान, और वो इतना एंटरटेन करता है हम लोग को कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो एंटरटेनमेंट जो वर्ड है ना, वो उसी से लिया गया। तो ये चैनल का जो नाम है अरहान एंटरटेनमेंट, ये मेरे बेटा है और मेरे बेटे को डेडिकेट किया। और ये चैनल का जो आप लोगो देखते हो पीछे येलो कलर, वो मेरे बेटे का फेवरेट कलर है। मैं सोचता था कभी जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसको ऐसा लगना चाहिए कहीं ना कहीं पापा भी कुछ करते हैं, और मतलब वो एक छोटी भले छोटी सी चीज होगी सबके लिए, लेकिन मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये चैनल बहुत बड़ा बात है। और मेरा बेटा कभी किसी दिन प्राउडली बोला कि मेरे पापा का एक यूट्यूब चैनल है, तो वो खुशी जब उसकी आंखों में रहेगी तो वो देख कर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। तो ये सब तो था, सब तो मैं आपको दिल की बात शेयर कर रहा था। अब मैं बताऊंगा मैंने किस तरीके से मेहनत किया। तो फरवरी 3, 2019 यानी इसी साल मैंने पहला वीडियो बनाया था, जब हॉप शाइन शो का टीजर आया था। वीडियो देखोगे तो मैंने कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं देखा, क्यों, मैं बहुत शाही किस्म का इंसान था, मुझे किसी से आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करना भी नहीं जमता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को सुधारा, और आप लोगों ने जब मुझे नेगेटिव कमेंट किए तो मुझे हर नेगेटिव कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने सीखा। मैं इस वजह से उन नेगेटिव कमेंट्स वालों को भी मैं याद बोलूंगा थैंक यू कि आपकी वजह से मैं अपनी गलतियां सुधार पाया। जहां जहां मैंने गलत हुआ, आप लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया, तो मैं अपने आप को बदला। तो आप मेरे पहले वीडियोस और आज के वीडियोस में देखोगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा काफी यूट्यूबर, काफी सब्सक्राइबर्स लोगों ने मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करने को बोले, तो उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब भी मुझे कोई सुझाव देता था, मैं उस सुझाव को सुनता हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि हमेशा जब भी कोई मुझे कोई सुझाव देता तो उससे एक बेहतर चीज ही निकल के आती है। तो मुझे, मैं उन सारे लोगों का थैंक यू था जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहना, और हमेशा हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने शुरू किया था फरवरी 3, 2019 में, और आज है अगस्त 3, 2019, यानी कि सिर्फ 6 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए और 4000 घंटे भी पूरे हो गए। अभी घंटे पूरे करने के लिए मैंने वीडियोस बनाए, वेब सीरीज देखी, मूवीज देखी, ट्रेलर्स देखे, सब कुछ किया, और आप लोगों ने मेरे वीडियोस को व्यू करे, आगे शेयर किए, कमेंट करे, तो आप लोग ने
मतलब इस चैनल को समझो मैंने सिर्फ इंजन लगा, लेकिन आप लोगों ने उसके पूरा के पूरा डब्बा डब्बा लगा के पूरी उसको इंजन को स्टार्ट कर दिए और आप लोगों ने यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया। तो मैं बस आप लोगों से इतना बोलूंगा कि हमेशा ऐसे ही प्यार हमारे चैनल से बनाए रखें, क्योंकि ये चैनल मेरा अकेले का बिल्कुल भी नहीं है, ये चैनल उन सारे सब्सक्राइबर्स का है, उन सारे व्यूअर्स का है जो मेरे वीडियोज को देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे साथ सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। और मैं जितनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ऑफिस से आकर वीडियो बनाता हूँ, सबसे आपको सीधा बता दे रहा हूँ, मैं ऑफिस तकरीबन 7:45-8 बजे आता हूँ, फिर मैं उसी टाइम पे आके वीडियो बनाता, फिर एडिटिंग करता हूँ, इस वजह से मेरे वीडियोस रात को आते। तो मैं उन लोगों से माफी चाहता हूँ जो लोग सोचते होंगे यार भाई तुम रात को वीडियो क्यों अपलोड करते हो, क्योंकि रात को मोस्टली सब घर पे चले जाते, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऑफिस से आता हूँ फिर मैं वीडियो बनाता, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको फास्ट सबसे पहला वीडियोस दूं और सबसे जेन्युइन जो सच बात है वो बोलूं। मैं बायस होके बात नहीं करता, मुझे कोई एक्टर एक्ट्रेस पसंद हो या ना हो, अगर वेब सीरीज सही नहीं है तो मैं बोलता सही नहीं, अगर मूवी सही नहीं तो बोलता सही नहीं, यार अच्छी है तो अच्छी है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। तो यार इस वीडियो में इतना ही, स्पेशली जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए उनको वापस से थैंक यू बोल रहा हूं। मैं एक दो जन का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, किसी एक दो का नाम लूंगा तो बाकी सब लोग नाराज हो जाएंगे। तो मैं उन सब लोगों को बोल रहा हूँ आप लोग हमेशा ऐसी प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। दुआ में याद रखिएगा, मैं हूँ राशि शेख, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। और याद रखना जो लोग स्वयं थिंक का एपिसोड 10 देखने आते तो वो लोग कल ठीक 12 बजे दिन में अपने यूट्यूब पे जरूर आना, मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा और वो एपिसोड मैंने देखा सच में बहुत जबरदस्त एपिसोड है। तो कल तक का इंतजार जरूर करो, तो मैं भी हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय।